हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट एकेडमी एंड दिस इज़ योर कुलदीप सर। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा, उससे पहले क्वांटम नंबर्स के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके गाइज, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं अपने आप को यहाँ पास से गायब करता हूँ ताकि हम लोग लेक्चर को अच्छे से समझ सकें। तो बोर्ड की तरफ आप लोग को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि क्वांटम नंबर है क्या। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि क्वांटम नंबर कौन से क्लास का टॉपिक है, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द 11th क्लास। लेकिन 9th से अगर आप लोग इसको समझे रहेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन सी चीज़ें क्यों, काहे, कहाँ से आ रही है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप क्वांटम नंबर को अच्छे से समझते हो। क्योंकि इस पे बेस्ड हम लोग इसके जस्ट बात क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वांटम नंबर। तो बेसिकली गाइस, क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दीज आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं भाई ये, 4। सबसे पहले को हम बोलते हैं एन। अब देखो एन है, एन का मतलब एन नहीं बोलते, एन हम लोग इसको एन से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं मेन क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान रखना एन क्या है आपका, मेन क्वांटम नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, अच्छे से इसको माइंड में रखिएगा, मेन क्वांटम नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकेंड आता है इसमें एल। एल होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ओके, थर्ड देखते हैं भाई, तो थर्ड इसमें आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है आपका जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट होता है इसमें गाइज आपका स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो ये 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर है, एन, एल, एम एंड एस। क्लियर है, चलो अब इनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, तो एक स्लाइड में यहाँ पास दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आपको माइंड में आने लग जाएगा। देखो 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर मैंने बताया आपको, एन, एल, एम और एस। अब इसमें देख सकते हो आप, इसमें एम लिखा हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और यहाँ पे एम एस लिखा हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मैग्नेटिक क्वांटम को एम और इसको हमेशा एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं अलग अलग से इनको डिटेल में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है, लेकिन इसका जो मेन वर्क है केवल हम वही डील करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज टेल यू अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिट। किसको बताता है ये, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को, या फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल को। किसको बताता है ये, एनर्जी लेवल को बताता है, बस इतना ध्यान रखना। किसको बताता है ये, एनर्जी लेवल को बताता है। और ये किससे डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है। ठीक है, सो मेन एनर्जी लेवल को कौन बताता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर से हम क्या बताते हैं, सो एनर्जी लेवल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को यहाँ पास हम लोग बता रहे होते हैं, जिसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब जो बोर साहब थे, कौन थे, बोर साहब थे, तो बोर साहब ने इसी 1 को बोला के, इसी 2 को बोला एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए सेकेंड क्या था आपका, सेकेंडरी क्वांटम नंबर है ना, जिसको हम लोगों ने सो किया किससे, स्मॉल एल से। अब ये स्मॉल एल किसको बताता है, तो ये सब सेल्स को बताता है। किसको बताता है, सब सेल। देखो ये मेन सेल को कौन बताएगा या मेन एनर्जी लेवल को कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। सेम एज जो सेकेंडरी है, तो वो सेकेंडरी को बताएगा, मतलब मेन जो अपने पास
सेल या एनर्जी लेवल प्रेजेंट हैं, उनके अंदर कौन कौन से सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कौन बताता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर हम इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 0, 1, 2, 3, और इधर क्या लिखा हुआ है, एन माइनस वन। इसकी जो वैल्यूज़ होती है ये 0 to n-1 तक होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यूज़ है किसकी, एल की, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो 0 to n-1 तक हो सकती है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to n-1, मतलब क्या होगा, 1-1 तो 0, तो 0 to 0, दैट मीन्स जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी, 0 to 0 दैट मीन्स 0। ठीक है, सेकेंड ध्यान रखना, n की वैल्यू अगर 2 पुट कर दी जाए तो l की वैल्यू पहली आ गई 0, फिर 2-1 क्या आ जाएगा, 1, तो 0 to 1। अगर n की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ सो l विल बी इक्वल्स टू 0, 1, 2। सेम एज n की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ सो l विल बी इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ये है कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ l इज 0 देन इट इज s सब ऑर्बिटल। ध्यान रखना, सब ऑर्बिटल या सब सेल। हमने क्या सीखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल को या मेन नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा होता है, आपका जो एल है वो सब सेल्स को बताता है, मतलब एन की वैल्यू जो भी उसके अंदर कौन सा सब सेल प्रेजेंट है। तो जब एल की वैल्यू 0 होगी तो वो एस ऑर्बिटल। तो देखो सेकंड में क्या क्या आ गया, एस के साथ क्या आ गया, पी आ गया, यहाँ पर आ जाता है एस पी और ये डी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस पी डी एफ, ऐसे करके जी एच, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है गाइज कि फर्स्ट ऑर्बिटल में केवल क्या प्रेजेंट है, एस, सेकेंड ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, एस भी है और पी भी है, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी और एफ। क्लियर है, तो ये बात हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं थर्ड क्वांटम नंबर पे, जो कि था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये बताता है गाइज आपके ओरिएंटेशन। किसको बताता है, ओरिएंटेशन को, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है कि जो सब सेल्स हैं उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट होंगे, कहाँ पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पास क्या होगी कम। अब इसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस एल टू प्लस एल तक होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, सो माइनस एल से प्लस एल तक होती है, और जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ जिसको हम बोलेंगे, सो जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है वो होती है 2l+1। ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और ये जो वैल्यूज़ हैं वो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, ये s ऑर्बिटल होता है। तो s ऑर्बिटल में क्या लिखूंगा, -0 to +0, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या आ गया, 0, मतलब क्या कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -l to +l तक है। तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, 0 ही आएगी, और यहाँ पर भी अगर पुट करके देखो तो हम, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 into 0 + 1 क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ कितनी मिली हमको, 1, कौन सी वैल्यू मिली, एस ऑर्बिटल, कौन सा मिला आपको, 0। एल की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पी ऑर्बिटल पढ़ा था, और पी ऑर्बिटल में अगर मैं वैल्यूज़ निकालूँ तो 2 into 1 + 1 हो जाएगा, कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3। अब कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस एल से प्लस एल तक, दैट मीन्स क्या, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, -1 से +1 तक जाएंगे। तो -1 से +1 क्या होगा, -1, 0, देन क्या हो जाएगा, +1। तो देख सकते हो 1, 2 और ये 3, 3 वैल्यूज़ आ गई। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एल की वैल्यू आप ले लो 2 पे कौन सा सब ऑर्बिटल, डी। अब डी पे काउंट करो, आप 2 रखो यहाँ पास इस वाले फॉर्मूला पे, 2 वैल्यू पट करो तो 2 to 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5, मतलब अब जो वैल्यूज़ मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी, 5, कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2 तक, दैट मीन्स -2 -1 0 +1 +2। तो आप काउंट करके देख सकते हो कि कितनी वैल्यूज़ मिली हम लोगों को,
फाइव वैल्यूज मिली। समझ में आ रहा है? ऐसी एल की वैल्यू आप जब 3 पुट करोगे एफ ऑर्बिटल में क्या मिलेगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3 एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हो जाएंगे? 7। 2, 3, 6 +1 क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन दैट मीन्स इसका शेप देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके शेप जो हैं होते हैं भाई। चलो नेक्स्ट पेज पे इसका शेप देख लेते हैं। तो एस ऑर्बिटल जो होता है गाइज, उसका जो शेप होता है आपको ध्यान रखना है, वो शेप होता है आपका स्फेरिकल। कैसा शेप होता है? एस का स्फेरिकल होता है कुछ इस तरीके से, सर्कल बना दो आपका एस ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में आपका पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल आपको ध्यान रखना है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, एस का मतलब होता है शार्प। सो पी का मतलब यहाँ पास होता है, मतलब पी का जो शेप होता है वो होता है आपका डम्बल्ड शेप। कौन सा शेप होता है? डम्बल, जो जिम वाला डम्बल होता है ना उसी तरीके का। तो हमने क्या देखा यहाँ पास कि कितने सब ऑर्बिटल्स होंगे पी के अंदर और कितने ऑरिएंटेशन हम लोगों को मिलेंगे? तो 3। दैट मीन्स यहाँ पास 3 प्रेजेंट होता है, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है गाइज आपका पी जेड। ध्यान रखना हम लोग शेप की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा होता है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा आप एक्सिस एक ही मानकर चलना हमेशा। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया आपका z। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, हम यही मान के चलेंगे। तो जब px बनाना है तो डम्बल बनाना है कौन से एक्सिस में? x एक्सिस में। ये हो गया आपका x एक्सिस और इस तरीके से हमने डम्बल बना दिया x एक्सिस पे, ये क्या बन गया आपका px। सेम एज आप बना दो y एक्सिस में, ये बन गया भाई y एक्सिस में एक डम्बल बन गया, इस कौन सा शेप हो गया? py। सेम एज आप बना दो z एक्सिस में, जेड एक्सिस में एक डंबल बना दो, क्या हो जाएगा? ये आपका पी जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी जेड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ध्यान से। तो पी के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है आपका? डी। डी का जो शेप होता है गाइज, आपको ध्यान रखना है, डी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज। अगर मैं शेप की बात करूँ तो ये होता है डबल डम्बल्ड। कैसा शेप होता है इसका? डबल डम्बल। और कितने ऑर्बिटल्स हैं इसमें? तो देखोगे तो 5। F का शेप हम लोग नहीं पढ़ते, F फंडामेंटल होता है फुल फॉर्म F का, लेकिन हम उसका शेप नहीं पढ़ते, थोड़ा सा क्रिटिकल शेप होता है। वीडियो के लास्ट में मैं उसका फोटो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ओके चलो, तो देखते हैं अब D का शेप कैसे है। तो D में कितने ऑर्बिटल्स हैं? सब ऑर्बिटल्स कितने अपने पास? 5। अब 5 ऑर्बिटल्स के पहले नाम देख लो। सबसे पहले आता है DXY। तो DXY जो होता है वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिड में बना होता है, सेंटर पे। अब डबल डम्बल है तो ये पहला डम्बल हो गया और ये दूसरा डम्बल, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। सेकेंड है आपका डी वाई जेड, तो ये आपने बना दिया वाई एक्सिस और ये आपने बना दिया जेड एक्सिस और इनके बीच में बना दो डम्बल, ये बन गया आपका डी वाई जेड। ठीक है, दो हुए, हमको कितने बनाने हैं भाई? टोटल 5। मैं इसके नीचे बना देता हूँ। थर्ड वाला इसमें आता है आपका डी जेड एक्स, तो ये हमने बना दिया जेड एक्सिस और ये हमने बना दिया भाई एक्स एक्सिस और इनके ये बीच में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें गाइज आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस है और कौन सा एक्सिस है? वाई। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि डम्बल के बी मतलब जो एक्सिस थे उनके बीच में बन रहे थे, बट ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक्सिस पे ही बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये कौन सा हो गया आपका? वाई। सेम एज आपका एक लास्ट रह गया, कौन सा आपका? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब लास्ट आता है इसमें डी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर दैट मीन्स जेड एक्सिस बनाओ और उसी में आप डबल बना दो। ये पहला डम्बल हो गया, एक डम्बल पीछे की तरफ होगा जो हमको ऐसे सर्कल की तरह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा आपको? इस कुछ सर्कल की तरह आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। तो ऐसे करके कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं डी में? 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सो हम लोगों ने क्वांटम नंबर में एम समझ गया भाई। अब चलो थोड़ा सा देखते हैं कौन सा आपका लास्ट क्वांटम नंबर कौन सा है भाई। तो लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन। चलो अब स्पिन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सो स्पिन क्वांटम नंबर नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता होगा, स्पिन बता रहा होगा। अब ये स्पिन दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम प्लस हाफ से शो करते हैं
और एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस हाफ से शो करते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो, जैसे हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि पी में कितने सब ऑर्बिटल्स हैं, 3। अब ध्यान से देखना भाई थोड़ा सा। हम लोगों ने देखा कि एस में सिंगल ऑर्बिटल होता है, ध्यान रखना। पी में कितने सब ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं भाई, 3। डी में कितने होते हैं, 5। और एफ में कितने होते हैं, 7। तो जितने भी लोगों ने कल की क्लास अटेंड की होगी तो उनको पता होगा कि एक सब ऑर्बिटल में या फिर एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो हम भर सकते हैं भाई केवल 2, ध्यान रखना। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप किसी एक ऑर्बिटल में फिल कर सकते हो, तो याद रखिएगा 2। देखो 2 ही भर सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, प्लस हाफ वाला, और नीचे वाला कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, अनदर हाफ वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जब मैं 11th क्लास स्टार्ट करूँगा सिलेबस, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को आप ऑर्बिटल्स में फिल करते हो। अभी के लिए काम का हमारा ये है कि हम लोगों ने क्या जाना कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर पा रहे हैं हम लोग, 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर पा रहे हैं तो एस में कितना भरा हमने, देखो 2 भरा। पी में 2 3 6। डी में कितने भरे भाई अपने, 10। एफ़ में कितने भरे हैं अपने, 14। कितने भरे आपने, 14। और यही हमको समझाना था कि एस में कितने ऑर्बिटल भराते हैं, 2। पी में 6, डी में 10 और एफ में कितना गाइस, 14। ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर वी नीड टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब एक और जादू दिखाता हूँ आपको। आपने बहुत पढ़ रखा है भाई 2 8 8 18 32, इस तरीके से है ना। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, देखो ध्यान से, आप पीछे रिलेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना भाई। पहले ऑर्बिटल में ध्यान से देखो, n की वैल्यू जब 1 थी, केवल क्या भरता है उसमें, s। s में कितना भर रहे हैं हम लोग, 2। s में 2, p में 6, 2 6 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14। अब काउंट करो, पहले में कितना ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, 2। यहाँ पे देखो 2 प्लस 6 कितने हो गए आपके पास, 8। 2 6 8 प्लस 10 कितने हो गए, 18। और यहाँ पे देखोगे काउंट करके तो कितने हो गए, 32। तो ये वहीं से आता है। हम लोग पहले 2 8 8 10 के फॉर्म पे पढ़ते हैं, बट ये आप लोग फॉर्म पे याद रखिएगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस किसके बारे में, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। और एक चीज़ और गाइस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो देखेंगे, किस पे कितना चार्ज होता है, किस पे कितनी वैलेंसी होती है, ठीक है। कैसे हम लोग वैलेंसी या अदर चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।